गुरुद्वारा एक्ट सोध बिल 2023 नू लेके सीनियर वकील एच एस फूलका दा बयान सामने आया। एस एच फूलका ने कहा कि सरकार ने एक्ट दे विच जिस नीयत दे नाल सोध कीती है वो बिल्कुल सही है, पर सोध करन दा जो तरीका अपनाया वो गलत है। फूलका ने भी कहा कि सरकार दे इस तरीके दे नाल सिख संगत दे विच गलत सुनेहा जा रहा है। तब्दीली कीती गई सी, ओ इंटेंशन सही सी, किसी एक चैनल का कॉपीराइट कीर्तन उत्ते नहीं होना चाहिए और बादलों का कब्जा इतों खत्म होना चाहिए, पर जो हुण ये मुद्दा बन गया, ये कल्ला सरकार बनाम बादल नहीं रहा, ये जिस तरीके नाल बन गया अज ये मुद्दा सरकार बनाम सिख हो गया, तो इस करके सरकार नूं मैं पंजाब सरकार नूं बेनती करदा कि इस दे उत्ते मुड़ विचार करे। जिस तरीके नाल ए अमेंडमेंट ए सोध ए पंजाब सरकार ने कीती आ, ओ एक बड़ी ही एक डेंजरस प्रेसिडेंट, एक खतरनाक परंपरा दी शुरुआत हो रही है और उसके करके ओ 90% सिख जिहड़े के बादलों के खिलाफ ने उन्हां नू भी इस वेले मजबूर होके ए जिहड़ी ए अमेंडमेंट आ इहदा विरोध करना पै रहा। जे कल नू सेंटर सरकार कहे हिंदुआं दे धार्मिक स्थानां दा ते ट्रस्ट असीं बनाउणे आ, हुण मुसलमानां दा वक्फ बोर्ड आ, वक्फ बोर्ड सरकार बनाउंदी है। जे कल नू इत्थे सेंटर सरकार कहे कि जे हिंदुआं दे धार्मिक स्थानां दे ट्रस्ट असीं बना सकते हाँ, मुसलमानां दे धार्मिक स्थानां दे ट्रस्ट असीं बना सकते हाँ, तो सिख